अजीत पवार के एनसीपी से बगावत कर शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद आज एक बार शिंदे सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो किया गया है और अजीत दादा के साथ जो 9 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी उनको 9 मंत्रियों को अपने अपने पोर्टफोलियो दिए गए हैं, जिसमें अजीत पवार जो है अर्थ और नियोजन का डिपार्टमेंट दिया गया है, धनंजय मुंडे उन्हें कृषि विभाग दिया गया है, वलसे पाटिल को जो सहकार विभाग दिया गया है, छगन भुजबल जी हैं जो पहला ही जो पोर्टफोलियो उनके पास था अन्न पुरवठा का विभाग दिया गया है, इसी के साथ जो है अदिति तटकरे जो महिला और बाल विकास का विभाग दिया गया है, और छगन भुजबल जी हैं, हसन मुशरफ जी हैं उन्हें वैद्यकीय शिक्षण विभाग दिया गया है, और संजय बंसोड़े को स्पोर्ट्स विभाग दिया गया है, अनिल पाटिल जो है उन्हें मदद और पुनर्वसन का विभाग दिया गया है, और सबसे ये धर्मराव बाबा अत्रम इन्हें अन्न औषध और प्रशासन विभाग दिया है। कुछ जो शिंदे सरकार के जो पहले मंत्री थे उनके विभागों में भी बदलाव किया है, लेकिन ये जो 8 दिन के बाद ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और अजीत दादा ने जिन विभागों की मांग बीजेपी से की थी वो विभाग उन्हें दिए गए हैं, लेकिन ये जो शिंदे सरकार के गुट के जो कुछ मंत्री हैं उसमें नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि कौन इस कारण नाराज़ है और किस तरह से कौन कहां से कहां अपनी जगह पर रहते हैं या दल बदलने की बात होती है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अजीत पवार के एनसीपी से बगावत कर शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद आखिर 10 शिंदे सरकार मंत्रिमंडल विस्तार किया, जिसमें अजीत पवार के साथ जिन 9 मंत्रियों ने पद की शपथ ली उन्हें अपने अपने पोर्टफोलियो दिए गए, जिसमें खुद अजीत पवार को अर्थ नियोजन का कार्यभार मिला तो धनंजय मुंडे को कृषि विभाग, दिलीप वलसे पाटिल को सहकार कॉरपोरेट तो छगन भुजबल को अन्न और पुरवठा की जिम्मेदारी दी गई, हसन मुशरिफ वैद्यकीय शिक्षण, अदिति तटकरे महिला बाल विकास, संजय बंसोड़े स्पोर्ट्स, अनिल पाटिल मदद पुनर्वसन, धर्म बाबा अंतरम को अन्न औषध प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने पास सामान्य प्रशासन, नगर विकास, ऊर्जा, राज शिष्टाचार, जनसंपर्क, परिवहन, सामाजिक नगर पर्यावरण, मौसम बदलाव, इन विभाग को ही रखा है। उप मुख्यमंत्री इनके पास गृह विभाग, न्याय विभाग, जनसंपदा और लाभ क्षेत्र, विकास, ऊर्जा जैसे विभाग रखे हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार में शिंदे गुट के मंत्रियों के विभागों में कई बदलाव किए हैं, जिस कारण कई नेता नाराज नजर आ रहे हैं। नाराजगी के चलते आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कई बदलाव हो सकते हैं, पर हमारे विधायकों में कोई नाराजगी नहीं है, हम शिंदे सरकार में काम करेंगे, ऐसा शिंदे गुट शिवसेना प्रवक्ता किरण पौशे ने बताया। 2 के जगह पे 3 पे बटे है तो नेचुरल बात है कि कहीं डिपार्टमेंट्स उनको मिलने वाली है, कहीं इनको मिलने वाली है, बट उसके साथ साथ अजीत दादा को वित्त नहीं मिलना चाहिए। बोलने वाले कौन थे? कोई भी बीजेपी या शिवसेना में से कोई नहीं थे। आपके पास किसी ने ऐसे बोला था क्या कि इनको नहीं मिलना चाहिए करके? आपके पास बोलने वाले कौन थे? ये उबाटा वाले थे, उद्धव ठाकरे ग्रुप के लोग जो थे वही बोलते थे, लोग ऐसे बोल रहे, लोग नाराज थे, तभी लोग नाराज थे। अरे जो कुछ भी नाराजी है या जिसको कुछ काम करना है वो खुले दिल से आपके माध्यम से भी आके बोलने वाले चाहिए। जैसे आज भरत सेठ गोगावले आके बोलते हैं पालक मंत्री पद मिलना चाहिए, संजय शिरसाट भी हमारे बोलते हैं हाँ मुझे मंत्री पद मिलना चाहिए, ये सब बातें यही तो बोलने वाले लोग चाहिए। इससे पहले ऐसी हालत थी कि ये कुछ बोलने वाले ही नहीं थे, खाली घर में बैठ के एक 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 काम करते थे और बाद में पता लगता था अरे इसकी वजह से हमारा नुकसान हो गया, इसकी वजह से हम लोग इतनी तकलीफ में आ गए। ये घर में बैठना है, बोलना नहीं है, उस टाइप के लोग हमें नहीं चाहिए। और आज महाराष्ट्र में 3 ही नेता जो है, मुख्यमंत्री महोदय हो, शिंदे साहब हो, फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री अजीत दादा, ये 3 नेता सक्षम है, महाराष्ट्र चला सकते, महाराष्ट्र के लोगों को न्याय दे सकते, महाराष्ट्र औद्योगिक या कृषि में नंबर 1 बना सकते हैं। लोगों को इसका पता है, इनका नेतृत्व क्या है, ये क्या काम करते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, लोगों को मालूम है।
और ये सिर्फ बोलने वाले और आपके पास आके नाराजी है, मानते नहीं है, ये सब चीज़ें बोलने वाले कौन है? एक ही ग्रुप है और उस ग्रुप को हमने ही काम दिया है, उनको ही घर में बिठा दिया है, शिंदे साहब ने बिठा दिया ना घर में, तो उनको हमने काम दे दिया, भाई आप अपोजिशन में बैठो, हम लोग हर एक चीज़ काम करेंगे, उसके ऊपर आप अपनी टिप्पणी करते बैठो, वो काम करने दो उनको थोड़ी दिन के लिए।